नमस्कार, पायनियर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा अस्थी। दर्शकों, एक बार फिर से हम आपको लेकर आ चुके हैं YMC रोड पर और इस वक्त हम मौजूद हैं बाईपास पर। और जैसा कि हम आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं कि किस तरीके से YMC जो रोड है, कितने बुरे उसके हालात हो चुके हैं। 2 साल से ज्यादा उस रोड को टूटा हुआ हो गया, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हम आपको ऐसे ही खबरें दिखा रहे हैं। जो जनता की आवाज है वो प्रशासन तक पहुंचाने की जो कोशिश हम कर रहे हैं, हालांकि जैसा कि अब हमारे बीच आप देख पा रहे हैं कि कार्य प्रगति पर है, यानी कि हमारी खबर का असर हुआ है। जो आला कमान है वो जाग गया, सतर्क हो गया है और आज हम यहाँ मौजूद है, देख पाएंगे कि YMCA रोड का जो काम है वो शुरू हो चुका है। बेहद ही खुशी की बात है कि जिस तरीके से जो आम जनता है इस रोड से गुजर रही थी, कितनी परेशानियों का सामना कर रही थी, अब इस रोड की शुरुआत कर दी गई है बनाने के लिए। कितना खुशी हो रही है आपको? हाँ, खुशी हो रही है। मैं तो पहले क्या क्या दिक्कतें आपकी होती थी? दिक्कत यही है, यहाँ क्या है, रोड सही नहीं है। देख पा रहे हैं कि लोग भी खुश हैं क्योंकि रोड बनना शुरू हो चुकी है। क्योंकि इस चिलचिलाती धूप में लोग तमाम परेशानियां झेल रहे थे और आज जब रोड बनना शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं लोग खुश भी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रोड बनी है तो कहीं ना कहीं उनके लिए ही फायदेमंद हुआ। क्योंकि हम आपको जैसा पहले भी बताते आए हैं कि जो सड़क के किनारे जिन लोगों ने अपनी रेडियां लगाई हुई हैं, उनको भी काफी मुश्किलें जो है झेलनी पड़ रही थी और आज रोड बनना शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं उनको भी खुशी है। यहाँ पर कुछ दुकानें लगी, छोटी छोटी रेडियां लगी हुई हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी इनसे जानने की कोशिश की थी कि तमाम परेशानियां इनको झेलनी पड़ती थी। आज रोड का जो निर्माण कार्य, परेशानियां तो बहुत है जी, शुरू कर दिया गया है। हाँ, शुरू कर दिया है, आज दिक्कत न हो जाएगा। देखो जी, बनना जल्दी बन जाएगी, अब तो बहुत देर हो जाएगी। अब तो बहुत नुकसान हो रहा है। तो देख पा रहे हैं कि जो तमाम लोग हैं यही चाहते हैं कि रोड का जो काम है शुरू हुआ है, वैसे वो जल्द से जल्द इसको बना दिया जाए, क्योंकि तमाम जो लोग हैं परेशानियों का सामना कर रहे हैं, दिक्कतें झेल रहे हैं, लोग बेहद ही ज्यादा परेशान हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब राहत की बात यह है कि कम से कम काम शुरू हो चुका है। मैं काफी समय से रोड टूटी हुई थी, अभी काम जो शुरू हुआ है अभी हमने रोक दिया है। किस वजह से रोका? अभी पहले हम जो बाकी काम है उसको कम्प्लीट कर रहे हैं, जो और जो टूटा हुआ है। अभी इसके ऊपर डिसीजन ले रहे हैं। तो ये शुरू क्यों किया गया था? क्योंकि अब शुरू, अब फिर उन लोगों को और अभी हम मौके पर देखने आए हैं, तो लेकिन अब जो बीच में तोड़ दिया गया था इसे तो लोगों को समाधान करके देंगे, समाधान हो जाएगा, क्योंकि तमाम लोग परेशानी झेल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इस काम को रोक दिया गया है। उनका कहना है कि पहले जो और रोड है उनको बनाया जाएगा, लेकिन एक बात यहाँ पे ये समझ नहीं आ रही कि जब ये रोड को बनाना ही नहीं था, इसको आखिर तोड़ा क्यों गया है? अभी हम तो उन्हें जानने की भी कोशिश करी है कि क्योंकि सड़क टूट चुकी है, तमाम लोग यहाँ पर दिक्कतें झेल रहे हैं और अब ये कह रही है कि ये सड़क, इसका जो काम है इसको रोक दिया गया है। अगर क्या वजह है जो काम को रोका गया है, अगर जब रोका गया है तो क्यों इसको तोड़ा गया था? क्योंकि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आधी अधूरी जो काम जो छोड़ दिया जाता है वो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें देता है। जो यहाँ के कॉन्ट्रेक्टर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों रोका गया है काम को, हमें खुद नहीं पता। शुरू में बनने के लिए हुआ है तो देखिए, अब आपको कितनी परेशानी लोगों को, हमें खुद हो रही है, हमारे इन्वेस्टमेंट हो रही है, हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, अलॉटमेंट हो चुकी है, 1 महीना हो चुका है। तो अभी इन्होंने बंद क्यों कराया, कोई रीजन? ये मैं मुझे खुद नहीं पता है, एट अ टाइम मोमेंट आए हैं, अभी आए हैं ये बात डिपार्टमेंट के हिसाब से होता है, हमारी मर्जी नहीं है कि कहीं भी जाकर खोद देंगे, डिपार्टमेंट कहेगा वही काम होगा और वही होता है। अधिकारी द्वारा आपको ये करने के लिए कहा गया था कि FMD डिपार्टमेंट है, उन्हीं का काम है, मास्टर रोड की प्लानिंग है, तरीके से काम हो रहे हैं, बट थोड़ा सा क्या इशू ज्यादा आ रहा है ट्रैफिक के अंदर, तो एट अ ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया गया है। मैम आई है खुद गरिमा मित्तल जी, IAS है हमारी, CEO, additional CEO of FMDA. लेकिन वो तो आ गई और चली गई अपनी कार में बैठ के, लेकिन आप देख रहे हैं कि तमाम लोग जो परेशानी झेल रहे हैं, आप क्या? हम खुद देख रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल लॉस हमारा हो रहा है, हमारा टाइम पीरियड जा रहा है, इनके भी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका कंप्लीट करने का टाइम होता है, वो भी हमारा लॉस होना, तो हमारे लॉस होगा। कब से काम शुरू होगा अभी कुछ नहीं पता, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही हम आपको दिखा रहे थे कि काम शुरू हो चुका है, लेकिन जैसे ही कुछ हमारी जो
गरिमा मित्तल जी है वो आई, हमने उनसे जानने की कोशिश करी कि मैम ने तो बस ये जानने की कोशिश करी थी कि क्या समय सीमा होने वाली है, क्योंकि टूटी रोड से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। हमने कुछ पूछा उनसे लेकिन उन्होंने रिप्लाई ही कुछ दिया, उन्होंने बोला कि हम काम बंद कराने के लिए आए हैं। हमने सोचा था कि काम हम पूछेंगे कि कब तक बनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला कि काम बंद कराने के आए हैं। वो उन रीजन ये दिया कि और भी रोड बन रही है, पहले उनका काम शुरू किया जाएगा, लेकिन कि फरीदाबाद में लगातार रोडें बनी रही है, सिर्फ बनने का नाम है लेकिन वो आज तक कंप्लीट ही नहीं होती है। और अब देखेंगे कि अब जो आम जनता थी किस तरीके से परेशान होगी, अब इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। FMDA ये भी फेल होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जो इनके लोग हैं इनसे भी जानने की कोशिश करी, उन्होंने भी बोला कि उनको भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस काम को बीच में रुकवा दिया जाएगा। उन्होंने बोला कि उनको फाइनेंशियल कितना नुकसान होने वाला है, वो अब जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं इनको यहाँ से लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं उनको ऑर्डर दिया गया था इस रोड को बनवाने का। अब आप देख पा रहे हैं कि हमने जब शुरुआत की थी तो आपको दिखाया था कि जो रोड है वो बननी शुरू हो चुकी है। हम जो मुहिम उठा रहे थे कि जब तक रोड बन नहीं जाती हम आपको ऐसे दिखाते रहेंगे, और आज थोड़ी सी खुशी थी कि रोड बन चुकी है, लेकिन बीच में ही आकर उसको रुकवा दिया जाता है। अब आप इस बात से हमें बताएं कि आखिर जो प्रशासन है वो कर क्या रहा है, जब इस रोड को बनवाना ही नहीं था, एक बार फिर से तोड़ दिया जाता है। अब तमाम जो समस्या है वो आम जनता झेलेगी। हम कोशिश करेंगे और भी जो विधायक जी हैं मंत्रीगण उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कराया तो कराया क्यों, जब रोड को बनवाना ही नहीं था तो उसको आधा अधूरा फिर से छोड़ा क्यों गया, क्योंकि तमाम लोग फिर से समस्या झेलने वाले हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।